महाराष्ट्रात भाजपचं मिशन 45 सुरू आहे. त्याच्या अंतर्गत 16 लोकसभा मतदारसंघ निवडले. त्यापैकी एक दक्षिण मध्य मुंबई हा राहुल शेवाळे यांचा मतदारसंघ आहे. आणि त्याच मतदारसंघात प्रवास करण्यासाठी केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अनुरागजी ठाकूर आलेले आहेत. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई में. धन्यवाद. इस चुनाव क्षेत्र में आज दो दिन आप रहने वाले हो, क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के आधार पर, हमारी पूरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर ये पार्टी आगे बढ़ती है और उसका जीता जाता उदाहरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि कार्यकर्ता के रूप में भी देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ भी पूरे देशवासियों की ओर से देना चाहता हूँ, विशेष तौर पर महाराष्ट्र से, मुंबई से, जहाँ पर एक ही दिन में 400 से ज़्यादा कार्यक्रम मुंबई शहर में हो रहे हैं. इस संसदीय क्षेत्र में दो दिन का प्रवास रहेगा, लेकिन अगले 15 महीनों में ऐसे कई प्रवास होंगे जो 2 से 3 दिन के होंगे, लगभग हर दूसरे महीने होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और बढ़ाने के लिए होंगे, ताकि 2024 में NDA गठबंधन पहले से ज़्यादा सीटें जीते, जैसे 2014 में, 2019 में, 2032 से बढ़कर 303 से ज़्यादा सीटें जीती. इस बार भी हम उससे ज़्यादा सीटें जीतने का काम 2024 में करेंगे, लेकिन उसके लिए आधार बनता है संगठन से, और ये जो ताकत है कार्यकर्ताओं की, इसको और बढ़ाना है. आम जनता को मोदी जी की सरकार से जो लाभ मिला है और जो देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, उसके साथ उनको जोड़ने का काम करना है. खासकर कि ये जो चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का, वो सिंधेगढ़ के पास जाता है, तो यहाँ पे क्या बीजेपी अपना खुद उम्मीदवार देगी, क्या तय होगा? देखिए, 2014 में, 2019 में हमने गठबंधन में ही लड़ा, और दोनों बार ही भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय शिवसेना के जो सांसद थे, हमने साथ लड़ा और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जिताया है. जब गठबंधन में होते तब मेरा तेरा नहीं होता, गठबंधन का उम्मीदवार होता है, और गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से निभाती है, और हमने सदा देश के हित में सेवा करने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार आए उसके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, और 2024 में पहले से ज़्यादा सीटें जीते, इसलिए जमीन पर काम हो रहा है. आखिरी सवाल, मुंबई में आप हो, लेकिन शिवसेना की तरफ से एक इल्ज़ाम भाजपा पे लगता है कि मुंबई तोड़ने की भाषा भाजपा करती है. महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट है वो भी गुजरात जा रहे हैं, जैसे फॉक्सकॉन का उल्लेख आता है, इस पे आपके क्या राय? 1% मन में किसी के विचार नहीं आना चाहिए. मैं तो उन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, INS विक्रांत जो मोदी जी ने देश को दिया, आत्मनिर्भर भारत और नए भारत की एक पहचान जो है, उस पे शिवाजी महाराज और उनकी शौर्यता, वीरता, उस सबका प्रतीक अष्टकोण चिन्ह, वो लगा कहाँ थे ये लोग, सोए हुए थे? दो शब्द इनके मुंह से ही निकले. ये पिछले 3 वर्ष भी सोए हुए थे, जिसके कारण यहाँ पर परसेंटेज फिक्स हो गई थी किस काम के लिए क्या होगा. मातोश्री के द्वार बंद हो गए थे, कार्यकर्ता भी परे चले गए और निवेशक भी परे चले गए. तो इन लोगों के कारण ही, जिन्होंने मातोश्री से लेकर महाराष्ट्र के द्वार लोगों के लिए बंद कर दिए थे, इसलिए लोग चले गए. अब ये विपक्ष में रहकर सवाल खड़े करते हैं, जब सत्ता मिली थी तब काम नहीं करते थे. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.